ऐसी मस्त प्यारी गुनगुनी धूप निकली है ना, ऐसा मन कर रहा है धूप में जाके बैठ जाऊं। एक मिनट आई, चाबी लगी हुई छोड़ के आई हूँ। देखो कितनी बड़ी गलती की है मैंने, चाबी लगी हुई छोड़ के आई हूँ। मैं 4 बजे की वापस आई हूँ डी मार्ट से। तब से मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं डी मार्ट से क्या लाई हूँ आप लोगों को दिखाऊं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ममता की दुनिया में आप सबका स्वागत है। बज रहे हैं सुबह के 9 और आज सब सो रहे हैं, सब मतलब सब सो रहे हैं। मैं भी अभी उठी हूँ। पीहू 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 उठो बेटा, आज है सैटरडे, दोनों बच्चों की क्लास नहीं लगेगी। वीरिका की तो वैसे भी सैटरडे नहीं लगती है, बट वीर की मॉर्निंग क्लास लगती है। बट आज दोनों का पीटीएम है, दोनों का टाइम स्लॉट मिला है मुझे 2 बजे के बाद। तो 2 बजे तक बिल्कुल फ्री, कुछ भी करो। वीर सोई जा। और ये रही मेरी सुबह की पहली चाय। तो आज की चाय के साथ आज का कड़वा सच वो ये है कि इंसान को अगर जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है, और अगर उसे शेर कहो तो वो खुश हो जाता है। ब्रजेश में मुझे कभी कभी शेर नहीं बोलते, मतलब इनडायरेक्ट मुझे जानवर बोलते हैं है? ये देखिए मेरे घर के लोग कितने केयरलेस हैं, कोई नहीं बैठा यहाँ पे। मैं अभी जस्ट आई हूँ और ये पंखा पूरी रात चलता रहा, किसी ने बंद नहीं किया। ऐसी मस्त प्यारी गुनगुनी धूप निकली है ना, ऐसा मन कर रहा है धूप में जाके बैठ जाऊं। तो बैठूं कहाँ जाके, हमारे घर में तो धूप ही नहीं आती है, खैर छोड़ो। तो आज मैं जा रही हूँ बनाने चाट, क्योंकि मेरा फ्रिज पूरा का पूरा खाली है, एक भी सब्जी नहीं है खाली। मेरे पास धनिया मिर्ची टमाटर आलू प्याज है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो चाट ही बना लेती हूँ। मैं बस रेडीमेड टिक्की रखी हुई है, दही है, मीठी चटनी है, खाली मुझे हरी चटनी बनानी है और मटर बनाने हैं। तो चले, उससे पहले मैं जा रही हूँ लगाने के लिए कपड़े धोने की मशीन। एक तरफ कपड़े धुलते रहेंगे, दूसरी तरफ मैं अपना काम करूँगी। मुझे आज भी नहीं मालूम अम्मा आएगी कि नहीं आएगी, देखते हैं। तो चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं सूखे येलो वाले गोल मटर, जिनको मैंने रात को धो के भिगो दिया था। बस इसमें पानी, हल्दी, लाल मिर्च, नमक डाल के इसको हम उबाल लेंगे, प्रेशर दिलवाएंगे 2-3 और 5 मिनट कम गैस पे रखेंगे। जब तक वो पकते हैं मैंने बनाई यहाँ पे हरी चटनी। इसके लिए मैंने लिया प्याज, हरी मिर्च, इमली, लहसुन और धनिया, और इसमें मैंने डाला नमक और काला जीरा पीस लिया बारीक। ये तो हर रोज़ काम आ ही जाती है और ऑलमोस्ट मेरे पास बनी रखी रहती ही है। हरी चटनी पीसने के बाद मैंने काट लिया थोड़ा सा प्याज, धनिया, और एक बाउल में मिक्स कर दिया चाट मसाला, आमचूर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च। इधर दही में काला नमक डाल के एक साइड फेंट लिया, और मीठी चटनी तो थी मेरे पास। फिर मैंने मकैन की टिक्की को तल लिया, वो भी मेरे पास पहले से ही रखी हुई थी। बस अब प्लेट में रखी 2 टिक्की, ऊपर से डाले छोले बहुत सारे, उसके ऊपर डाला हमने हरा चटनी, फिर डाला प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, उसके ऊपर डाले थोड़ा सा दही, फिर डाले सूखे मसाले, मीठी चटनी, और लास्ट में डाला थोड़ा सा पतला वाला सेव। और ये रेडी हो गई हमारी यम 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 चाट। वाव, दिखने में कितनी सुंदर है, खाने में इतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट थी। वैसे तो मैं नहा के खाती हूँ, बट कोई ऐसी चीज़ बनती है तो मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाती, टूट पड़ी मैं तो एकदम भुक्कड़ों की तरह।
तो अब जितना खाया था उतनी कैलोरीज भी बर्न करनी थी, तो लगी मैं काम करने, क्योंकि अम्मा का तो अता पता ही नहीं था। तो मैं लगी अपने बर्तन झाड़ू पोछा करने के लिए। लेकिन ये देखो क्या हुआ, क्या पेट को मंडे ना बरला नाड़े संडे मत्ते मंडे और उड़गी हो कुत्ते मने के ब्लाउज आई तू फुल इल्ला ननगे बेड नीने याके इदु इष्टु इरबेक ಡೀಪ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ನೀನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ವಾ ನನಗೆ? ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇದು ಅದು ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ ಇಂಚ್, ಹಾ ಒಂದ್ ಇಂಚ್ ಡೀಪ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತು ಡೀಪ್ ಒಂದ್ ಇಂಚ್, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಪ್. ಓಕೆ, काम कर करके खत्म हो गया तब आई हमारी जय अम्मा। फिर कह रही है कल आऊंगी, परसों नहीं आऊंगी। उनको नहीं आ रहा समझ में क्या बोल रही हूँ, पर चलो ठीक है, पोछा बाकी है करेंगी, अब हम जाएंगे नहाने। तो ये चल रहा है यहाँ पे वीरिका का पीटीएम। ओके ओके, so any other thing is there which we need to take care, just let her know. Nothing is there, she she's good. Okay, sure. My side also, she's sure. No, 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 everything is fine. Yeah. Only this paper only, right? This three papers, then Kannada, that one. Yeah, yeah, Kannada, English, literature and computers. No, concern about Kannada subject. Yeah, 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 concern about Kannada subject, yeah. Right? Yeah, yeah. Thank you very much. Yeah, yeah, sure. Thank you. Thank you, sir. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Just अभी बच्चों का पीटीएम खत्म किया है और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। एक मिनट आई, चाबी लगी हुई छोड़ के आई हूँ। देखो कितनी बड़ी गलती की है मैंने, अभी लगी हुई छोड़ के आई हूँ। मैं 4 बजे की वापस आई हूँ डी मार्ट से, तब से मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं डी मार्ट से क्या लाई हूँ आप लोगों को दिखाऊं, और अभी बज रहे हैं रात के 8:30। बैक टू बैक काम ही काम था, काम ही काम था। 4 बजे आने के बाद मैंने सारी सब्जियां धो वो के सुखाई बाहर, उसके बाद कुछ खाया पिया, बच्चों को खिलाया पिलाया, 4:45 बज गए, चाय बनाई तो 5 बज गए, बच्चे आ गए, फिर बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद फिर रात का खाना बनाया, अभी सबको खिला के ख़त्म कर दिया। मैं ही बची हूँ खाने वाली, मुझे भूख नहीं है, जब लगेगी तब खाऊंगी। तो मैं दिखाने वाली थी कि मैं ये लालटेन लाई हूँ, 3 का ये सेट और 3 का ये सेट। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये गोल्डन कलर का है। 4-5 दिन पहले भी मैं डी मार्ट गई थी, तब दूसरे टाइप की लालटेन थी, जो हम लोगों ने बचपन में लालटेन देखी है ना वैसी थी, बड़ी सी थी, इतनी बड़ी सी थी, अच्छी लगी मुझे। तब कुछ ऐसे ही डिलेमा में थी कि लूँ नहीं लूँ, बट ये जो गोल्डन कलर है ना, उसका गोल्डन कलर अलग था, इसका अलग है। ये मेरे हॉल में रखे हुए शो पीसेस के साथ बिल्कुल मैच करता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें भी मैं कन्फ्यूज थी कि कौन सा लूँ, मैंने कहा दोनों ही ले लेती हूँ, रीजनेबल भी थे तो मैंने दोनों ले लिए। और ये मैं प्लांटर लाई, ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे, बहुत छोटे हैं बट क्यूट से हैं, मालूम नहीं कहाँ रखूँगी। और सिर्फ 2 ही लाई, इसलिए 2 लाई क्योंकि मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लांटर खाली पड़े हैं जिनको फिल करवाना है। तो शायद मैं कल नर्सरी जाऊँ, देखती हूँ टाइम मिला तो नर्सरी जाऊँ, और ये सब मैं करके सेट करके रखूंगी। फिर लास्ट में मैं, क्योंकि मुझे अभी घर की सफाई करना बाकी है, ऐसे तो पूरा घर बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन फिर भी जब तक दिवाली की सफाई न हो, लगता नहीं है दिवाली मनाई, पहले पूरा हार्ड वर्क करो फिर आराम करो। तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है, घर का छोटा मोटा काम होना बाकी है, दरवाज़ा वरवाज़ा चेंज होना बाकी है, इसलिए मैं रुकी हुई थी कि सारे ऐसे काम हो जाएं जिससे घर वापस गंदा होगा। बट अगर नहीं होता है तो ठीक है, लास्ट डे पे मैं इस दरवाजे को साफ कर लूँगी, अभी बचा ऐसा कुछ खास काम बचा नहीं है। फर्नीचर का काम है पर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि हो पाएगा, हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, क्योंकि मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग 90% काम हो चुके हैं, इवन तो 2-3 एडिशनल काम भी हो गए हैं, तो कोई नहीं, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है।
तो यही था मैं दिखाना चाहती थी, बल्कि मैं इसको खोल लेती हूँ, खोल के मैं भी देख लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद मैंने भी इसको एक साइड रख ही दिया था, खोला ही नहीं था। मैंने अनपैक कर लिए, ये ऐसे खुलते हैं, ऐसे गोल घुमाया, निकाला, इसमें कैंडल रखा, वापस डाला और ऐसे गोल घुमा दिया। सेम इसका भी मेथड ऐसा ही है, बट सही में बहुत क्यूट से लग रहे हैं, बहुत क्यूट से, छोटी छोटी लालटेन। अभी फेयर में बड़ी लालटेन भी मिल रही है, बट वो गोल्डन कलर की नहीं है, ब्लैक कलर की है। ब्लैक मुझे इतना ज्यादा इन चीजों के लिए पसंद नहीं है। तो तीन तीन है, तो वीरिका के रूम में रैक्स हैं, 1, 2, 3, लेफ्ट में भी 1, 2, 3, उनको रखूंगी और उनके साथ छोटे प्लांटर रखूंगी, इंडोर उसमें प्लांट होगा, और भी कोई छोटी सी चीज जो बच्चों के रूम में हो सकती है वो रखूंगी। ऐसी चीजें मुझे बहुत पसंद है। तो चलो आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे खत्म, मिलती हूँ आप लोगों से कल नए व्लॉग में, टिल देन बाय।